तो फिर ज्ञानव्यापी मामले को लेकर एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा कई बार भड़काऊ बयान दे चुके हैं। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, हाथ उठाने के लिए मजबूर ना करें। और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी से कि ज्ञानव्यापी मामले में आप फैसला करें, अन्यथा देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा। तो मौलाना तौकीर रजा लगातार जेल भरो आंदोलन की बात कह रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने धमकी देते हुए कहा है अल्लाह ने हमें हाथ दिए, हाथ उठाने के लिए मजबूर ना करे। तो मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान हम आपको सुनाते हैं। मैं मंजर मस्जिद नहीं चल रहा है, असल में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश है कि हिंदुस्तान को किसी सूरत से हिंदू राष्ट्र बना दो, जो मुसलमान डराए जा सके, दबाए जा सके, भगाए जा सके और बाकी फसाद करा के कत्ल कराए जा सके। तो मैं कत्ल हो जाऊंगा लेकिन मरते मरते भाई मैं भी हाथ अल्लाह ने मुझे भी दिए हैं। तो मैं ऐसा माहौल नहीं चाहता किसी भी कीमत पे कि ऐसे ही कोई नौबत हमारे हिंदुस्तान में आए कि हमें अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी पर हाथ उठाना पड़े। कल जेल भरो आंदोलन होगा अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई फैसला नहीं लिया, निर्णय नहीं लिया। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।